पीपा की हाय। चाली नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। नहीं चलेगी, बीजेपी पार्टी हारे। देखिए, हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो, लेकिन चुनाव आज स्केड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई। ऐसा नर्चा ही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। At the last moment, the presiding officer has been hospitalized. Were they sincere about it, they would not have done that. They could have immediately, they means the Bharatiya Janata Party administration, they could have immediately appointed another person to preside over. There are no hard procedures to be followed. So you had to just appoint a person. If you like this video, then like, share, and subscribe to Mirror Now.